कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर खरगोन जिला मुख्यालय स्थित टीआई कॉम्प्लेक्स परिसर में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, विधायक रवि जोशी समेत अनेक कांग्रेसियों ने अपनी बात रखते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार के कार्यकाल को कुनीतिपूर्ण कहते हुए जनता के लिए अकल्याणकारी बताया। भी हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने बार बार प्रशासन को जो किसानों की जो समस्या है उस किसानों की समस्या को लेकर आगाह किया, पत्रचार किया, ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया, लेकिन आज दिनांक तक जो किसानों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया। कई जिलों, कई जैसे कि आदरणीय हमारी दीदी ने कहा, कई जगह पर बारिश नहीं होने के कारण समस्या है, तीन तीन बार बोनी हुई है। हमारी खरगोन विधानसभा की बात करें, हमारे जो 52 गांव जो पाटीदार बेल्ट के हमारे जो गांव है, वहाँ पर लोगों ने चार चार बार बोनी कर दी। नीतियाँ हैं, कौन सा वर्ग है जो परेशान है, खास करके इस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है, जो डीजल और पेट्रोल के भाव है, जिसके कारण हर वस्तु आज महंगी हो गई।